मोहम्मद जरीन पट्टी साहब जी, माशाल्लाह बरतानिया भी जेड़े तुसां हुण मेरे तारफ ने मुहताज नहीं रहे, एक पोली बल्कि काफ़ी सारे इत्थे कम कराए ने, मुँहें खलते मुँहें पर तारीफ नहीं होनी, तारीफ अल्लाह की जात नहीं होनी है जी। असा कोई भी कम करने हैं अगर बंदे ने आखने वो अल्लाह की जात की तारीफ करने हैं कि अल्लाह की जात मौका दिता उस बंदे की, उस इंसान की, उस मुसलमान की कि वो लोगों वास्ते बेहतरी करे। अकूकल आबाद ही अपना हिसाब है जी। जरीन पट्टी साहब जी, इन्हों को पुछा कि 70 साल तो असा एक रोड़े हो पे कि साढ़े हालात पता नहीं आसानी वजह न खराब है या किस वजह न खराब है, क्योंकि बरतानिया ज रहने इन्होंने बड़ी नज़र ही है, ये साढ़े उपर बैठे काउंटर इन्होंने को थोड़ा पसंद जी। पट्टी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला दी हमद सना और अज़ू पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेहद तारीफ तो बाद मैं सब हज़रात दा शुक्रिया अदा करना जेड़े इत्थे मौजूद है और जेड़े साढ़े प्रोग्राम सुनगे। चौधरी साहब तुसां ने भी खिदमत सलाम और तुसां ने पूरी टीम नूं ही उन्हां दा शुक्रिया के जेड़े अज दूसरी दफ़ा साढ़े दे बरन कलां च तशरीफ लेके आए इस ट्याला बाईपास दे इफ्तिताह दे सिलसिले च। ट्याला बाईपास साड़ी टीम ने बड़ी म्यारी काम करवाया, तुसाने सामने खास करके साढ़े भाई लियाकत ने जड़ा अपने इत्थे अपनी निगरानी च उसे काम करवाया और बड़ा तसली बख्श, ठीक है। और इस जो सब जेड़े साढ़े इलाके च लोगों तावन फरमाया स्पेशली जिहड़ी जगह दा जिन्हां दी जगह नाल लगने सी कनेक्टेड लोग से अपने साढ़े बहुत प्यारे अंकल ने अंकल आरफ साहब उन्होंने बच्चों ने तावन फरमाया और जो मकान रस्ते भी बिल्कुल 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 और रस्ता उन्होंने जरा ना कुशादा किया रस्ते उस तो बगैर काम नहीं हो सकना सी, उन्होंने मेहरबानी उस तो बगैर काम नहीं हो सकना सी। और उन्होंने अंकल से अंकल नादर और यसीन साहब जो ऑलरेडी लंदन चे और अपने अर्श साहब उन्होंने भाई वगैरह मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना कि बिला मुआवजा उन्होंने ये काम मतलब सू जगह दी, बल्कि यह जगह भी थोड़ी उन्होंने आई है लेकिन उन्होंने मैं शुक्रगुजार हाँ, ठीक है। और ये सिर्फ ट्याला ट्याले के लोगों नहीं इस चीज़ का फायदा, बल्कि सराउंडिंग एरिया भी इस तू मुस्तफीद हो गए, जेडे असं अगे देख रहे हो इस एरिए आए हो देखे अस तो इस मुस्तफीद हो गए। अगर अस अपनी मदद आप ये छोटे मोटे काम कराइए तो जेडे जिम्मेदारान लोग ने उन्होंने इस चीज़ का एहसास होएगा कि कम तो साढ़े ने लेकिन ये मतलब इलाके के लोग करा ले हो सकता है उन्होंने इस चीज़ का एहसास हो सकता है उन्होंने इस चीज़ का एहसास हो सड़ा की हक फर्ज बनना है तो हो सकता है इस तरह तवज्जो फरमा, ठीक है। तो उन्होंने हुकूमती सतह तो लोगों को चाहिए कि लोगों ने आके मसायल देखन और उसते उन्होंने काम करना चाहिए। पर साहब 5 साल तो बाद दशने नसा ने मसायल तखने वास्ते जी वोट दियो तो मसायल असल 5 साल तो बाद फिर आ जाने जो सब जल्द एक दफ़ा तुम ये जो वाक्य पेश अचना तो फिर बार बार नहीं अचना चाहिए, फिर एटलीस्ट दूसरी दफा होशियार हो जाना चाहिए जिस एक दफा जी। पट्टी साहब तुम यूके रहने असं इतने रहने इतने फिर असं भन्नी मरोड़ी तो उतें ही गिनी जाने कोई ताया आ जाना कोई चाचा आ जाना मावा आ जाना मसेर साड़ा जरा वह आ रहे जी अटक सू कि यार वोट जरूर दिया है क्योंकि तुसां कोलो आखरी मैं एक गल पुछा कि पैगाम तुसां ना खास करी साड़ा खिता पठवार जिथे भी रहना पे कोई बैरूने मुल्क है या अंदरूने मुल्क कह दसो उन्हां वास्ते पैगाम। चोई साहब मैं दरअसल गुज़श्ता 30-35 साल तो बाहर बड़े थोड़े जे टाइम से आज चंद दिन से मैं जदों आया चंद दिन से आया ये पहला वाकया कि मैं ऑलमोस्ट एक मंथ जरा वन मंथ मैं स्टे किए इतने मैं नला मुसलमाना तो लेके दुबेन कलां के काफ़ी लोगों ना मेरी मुलाकात हुई है। माशाल्लाह बादशाह लोग ने पढ़े लिखे लोग ने काफ़ी लोगों जिस तरह अपना यकूब साहब मिले मैं राजा बशीर साहब अमीर साहब मजीद साहब बेशुमार लोग ऐसे मिले ने जेडे समझ बूझ रखते ने। मेरा पैगाम यह है कि इन्होंने कि कोशिश करो कि छोटी मोटी गलों पर ठीक है छोटी मोटी गलों दरगुजर करके जाती खिलाफ न जाती खिलाफ इख्तलाफ तो बाला तर होके इलाके से सोचन अपनी फैमिली का ख्याल पहले इलाके का ठीक तो अपने इलाके से कोई काम करन अपने लिए तो सभी जीते हैं किसी और के लिए जिए तो फिर बात है। अस्सलाम वालेकुम।